नमस्कार, मैं निधि श्रीवास्तव और मैं गवर्नमेंट आईटीआई बासी डिस्ट्रिक्ट बांदा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की टीचर हूँ और मैं आपको आज की क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले मेरी एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की। सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई में यदि आपका किसी भी ट्रेड में एडमिशन है, चाहे वो गर्ल्स की ट्रेड हो, चाहे वो टेक्निकल ट्रेड हो, नॉन टेक्निकल ट्रेड हो, यदि आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़नी ही है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी और आज की मेरी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था व्यवहारिक कौशल है जो चैप्टर ये चल रहा है फिलहाल, और व्यवहारिक कौशल में कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया था और कुछ एग्जाम्पल भी दिया था। रतन टाटा सर जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे देश के, उनका एक एग्जाम्पल दे करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि कौन कौन से व्यवहारिक कौशल या बिहेवियर स्किल्स हमारे अंदर होने चाहिए। और एक बहुत अच्छी सी स्टोरी भी मैंने आपके साथ शेयर की थी और मैं आशा करती हूँ, मैंने आपको बोला भी था कि आप इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा और उस पूरी स्टोरी को पढ़िएगा। तो किन किन छात्रों ने उस स्टोरी को पढ़ा है, क्योंकि वह स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली है। जिन छात्रों ने उस स्टोरी को पढ़ा है मेरी क्लास के बाद, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने उस स्टोरी को पूरा पढ़ा है, क्योंकि वो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी। और मैं आशा ये भी करती हूँ, उसका एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया था, उस स्टोरी के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया था ताकि आपको व्यवहारिक कौशल में जो 5 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, आप में आत्म सुधार की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की आदत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, फिर साथ में आपके अंदर कितने प्रभावशाली व्यक्तित्व है आपका, कितने ज़्यादा प्रभावशाली होकर आप अपनी बात को सामने वाले के सामने रखते हैं, अपनी बात को कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आप में एक सिंपैथी की जो भावना होती है, संवेदनशीलता, वो भी होनी चाहिए। तो उस स्टोरी से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज की जो मेरी क्लास है इसमें नया टॉपिक है ये कि एक जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता मतलब क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है यानी जो आपको जॉब पर रखता है। आप आईटीआई जब कंप्लीट कर लेंगे तो, क्योंकि ये एक टेक्निकल कोर्स है, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे। पहला तो ऑप्शन होगा कि आप किसी कंपनी में जाके जॉब करें, और दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आप अपना स्वयं का व्यवसाय खोलें। तो ये जो जो चैप्टर है, या फिर आप कह सकते हैं जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो सब्जेक्ट है, ये दोनों ही गुण आपके अंदर डेवलप करता है, या फिर इसमें आप सरकार के द्वारा क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, एक एक कर्मचारी जो होता है, एक एम्प्लॉई जो होता है, उसके अधिकार के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, साथ में ही जो एक जो व्यवसाय शुरू करता है, जो व्यापारी होता है, उसके लिए क्या क्या अवसर है, सरकार के द्वारा कौन कौन से जो अवसर दिए गए हैं, फैसिलिटी दी गई हैं, और साथ में उसके अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि जो भी नियोक्ता होता है या जो भी एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब पर रखता है, उसको क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन होती हैं अपने एम्प्लॉय से, और उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके द्वारा हम हर एक चीज़ को समझेंगे। और आज की क्लास जो है स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी छात्रों से निवेदन करती हूँ कि मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज पे आपके लिए जो भी क्लासेस अपलोड हो रही हैं, जो भी वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स तो आपको पढ़ा ही रही हूँ, साथ में जो इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, ICTSM, IT, RAC के छात्र हैं उनके लिए भी मेरे वीडियोज़ आते रहते हैं जो कि ट्रेड थ्योरी से संबंधित होते हैं। तो इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए, क्योंकि इसके लिए आपको कोई भी कॉस्ट पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, ये निःशुल्क क्लासेस हैं, वो भी ताकि फ्री में ये घर बैठ करके लॉकडाउन के समय में अपनी लर्निंग के प्रोसेस को, अपने सीखने के प्रोसेस को कंटिन्यू रख सके। तो मैं एक एक पॉइंट क्या करती हूँ, आपको यहाँ नोट डाउन कर लेती हूँ, फिर आपको एक एक पॉइंट मैं समझाऊँगी एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँगी। जैसे लास्ट क्लास में मैंने रतन टाटा सर का एग्जाम्पल आपको दिया था और आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, मैं आशा करती हूँ। यदि आपको ना भी समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अभी जो चैप्टर चल रहा है बहुत ही इंटरैक्टिव है, बहुत ही
अच्छा है, बहुत से एग्जांपल्स के माध्यम से हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए इसे हम डेवलप करना, या आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि अच्छा ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसको हम इस तरह से भी एक मतलब बिंदुवार तरीके से भी पढ़ सकते हैं क्या, वो सभी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने के लिए, अपने बिहेवियर में चेंजेस करने के लिए। तो जो अपेक्षा निर्धारण या एक्सपेक्टेशन होता है किसी भी एम्प्लॉयर का, किसी भी नियोक्ता का अपने एम्प्लॉय से, उसको दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला क्या होता है, प्रदर्शन से संबंधित अपेक्षाएं क्या क्या है और व्यवहारात्मक अपेक्षाएं क्या क्या है। यानी कि जब भी आप कहीं जॉब करते हैं तो पहली बात तो आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ पर आप कैसा काम कर रहे हैं, आपके काम करने की स्किल कैसी है, जो भी काम आपको दिया जा रहा है जिस भी जॉब पे या जिस भी पोस्ट पे आपको रखा गया है, उसको उसका उत्तरदायित्व आप कितने अच्छे से निभा रहे हैं, कितने अच्छे से अपने काम को कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, यह है प्रदर्शन अपेक्षा है। प्रदर्शन मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस आप कह सकते हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका कार्य करने की शैली कैसी है, कितना अच्छा आप अपने काम को कर ले रहे हैं, ये इससे संबंधित अपेक्षाएं होती हैं कि जो भी नियोक्ता है आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, ये आपसे ऐसी अपेक्षा रखता है कोई भी नियोक्ता। दूसरा व्यवहारात्मक अपेक्षाएं कौन सी हैं, यानी कि बिहेवियर स्किल कौन कौन से हैं, तो आपका एटीट्यूड कैसा है, आप लोगों के साथ घुल मिल कर एक अच्छा व्यवहार बना के रहते हैं कि नहीं, फिर साथ में आप कितने संवेदनशील हैं, आप अपने जो भी आपके साथी उनका सहयोग करते हैं कि नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि नहीं। जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ये बिहेवियर स्किल्स के बारे में, वो सभी चीज़ें व्यवहारात्मक अपेक्षाएं में आती हैं। और ये सभी एक नियोक्ता जो होता है, जब भी कोई एक एम्प्लॉयर आपको जॉब पे रखता है तो आपसे आशा करता है कि आपके अंदर बिहेवियर स्किल्स भी होने चाहिए, आपका व्यवहार भी सही होना चाहिए अपने मालिक के प्रति, अपने साथियों के प्रति, सबके प्रति आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, साथ में आपका प्रदर्शन, आपका परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। तो जो अपेक्षा होती है जो एक कोई नियोक्ता करता है, उसे दो भागों में बांट सकते हैं। उसके बाद से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो रखता है कोई भी नियोक्ता या कोई भी एम्प्लॉयर जो होता है वो आपके प्रति रखता है, वो क्या क्या हो सकता है, हम कैसे उसका निर्धारण कर सकते हैं, यानी कि हम कैसे ये निर्धारित कर सकें कि हमारा जो भी एम्प्लॉय जो जॉब करने आया है उससे जो एक्सपेक्टेशन है उसके मापदंड को हम कैसे सेट कर सकें। तो पहला जो है, उत्कृष्टता को प्रेरित करने वाली अपेक्षाओं का निर्धारण। उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस हो गया, कितना अच्छा काम हो रहा है। तो अच्छा काम आपकी कंपनी में, जब अच्छा काम होगा तभी आपकी कंपनी क्या करेगी, प्रोग्रेस करेगी। तो आपको ऐसे कुछ मापदंड का निर्धारण करना पड़ेगा जो कि उत्कृष्टता को प्रेरित करें, ऐसे कुछ मापदंड बनाने होंगे जैसे जो उत्कृष्टता को प्रेरित करें। जैसे कि आप मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैंने ये मापदंड बनाया हुआ है कि अगर मेरा कोई स्टूडेंट टाइम पर, जो मैंने टाइम दिया हुआ है, मान लीजिए आज है 3 फरवरी है, आज मैंने टाइम दिया हुआ है कि 5 फरवरी को मैं सभी स्टूडेंट्स की कॉपी चेक करूँगी या फाइल चेक करूँगी, और जिस बच्चे ने अपनी फाइल अच्छे से नीट एंड क्लीन अच्छे से बनाई हुई है और टाइम पे चेक कराता है उसे वेरी गुड मिलेगा। तो मैंने क्या किया, एक उत्कृष्टता का एक निर्धारण कर दिया, ठीक है, एक प्रेरित कर दिया बच्चों को, क्या प्रेरित कर दिया, यदि आप जो है अपनी फाइल अगर आप समय से चेक करवाएंगे, आपकी फाइल कंप्लीट होगी और वो अच्छे से नीट एंड क्लीन बनी होगी तो मैं आपको वेरी गुड दूंगी, ठीक है। या फिर ये एक अदर वे में भी हो सकता है, कुछ प्राइस भी हो सकता है कि जो बच्चा अपनी जो वर्क को अच्छे से करता है, या फिर जनरली जब आप छोटे होंगे स्कूल्स में तो फर्स्ट प्राइज़, सेकेंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़ इस तरह से मिलता था, तो इस तरह की कोई प्राइस या फिर कुछ एक रिवॉर्ड, एक सम्मान दिया जा सकता है जिससे कि सभी जो स्टूडेंट हैं इससे क्या करेंगे, अपना काम है वो अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह का कोई एक एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए, एक्सीलेंस की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए हमने क्या निर्धारण कर लिया, बच्चों को प्रेरित करने के लिए हमने क्या कर लिया कि यदि आप अपना कॉपी समय से चेक करवाएंगे तो आपको वेरी गुड मिलेगा, क्लास में सभी बच्चों के सामने आप सम्मानित होंगे, क्योंकि वेरी गुड सबको तो नहीं मिलने वाला है, उसी बच्चों को मिलेगा जो इस चीज़ से प्रेरित होकर के और अपना वर्क कंप्लीट कर लेगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि प्रेरित करने के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी होंगी जिससे सभी एम्प्लॉई आपका
अच्छा काम करें। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, स्पष्ट होना। आपको जब भी आप किसी व्यक्ति को जॉब पर रखते हैं तो आपको स्पष्ट ये बता देना ज़रूरी होगा कि आपकी कंपनी में क्या रूल एंड रेगुलेशन है, और आप यदि किसी नियम को तोड़ते हैं तो उसके बदले में आपको क्या सज़ा मिल सकती है, और आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब आपको क्या काम करना है। तो आपको सब चीज़ें स्पष्ट कर देनी चाहिए ताकि जो एम्प्लॉई है जो काम करने आपके पास आ रहा है जॉब पे जिसे आप रख रहे हैं उसे फ्यूचर में कोई भी मतलब उसके अंदर कोई गलत भावना ना आए और वो हतोत्साहित ना हो, वो उत्साहित रहे। तो आपको स्पष्ट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आप कभी कभी जब कंपनी में जॉब करते हैं तो आपको एग्रीमेंट पेपर साइन कराया जाता है कि आपको कंपनी की कोई भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं देनी है। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जाती हैं, यदि आप इंटरनल इन्फॉर्मेशन कंपनी की बाहर देंगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा और आपके खिलाफ़ कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। आपको कुछ दंड के रूप में कुछ पैसे जमा करने पड़ सकते हैं, साथ में आप जेल भी जा सकते हैं। तो ये चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, ये आपका फ़र्ज़ बनता है, एक जो नियोक्ता होता है उसका फ़र्ज़ बनता है। फिर तीसरा क्या है, कार्य को छोटे छोटे भागों में बांटना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगेन मान लीजिए कि आप मेरा स्टूडेंट हो और मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ईयर में आपको 100 प्रैक्टिकल्स फाइल में लिखने हैं, मैंने ये बोला आपको। अब आप बिल्कुल से 100 प्रैक्टिकल्स तो बहुत होते हैं, आप घबरा सकते हो, लेकिन मैं अगर उसे छोटे छोटे भागों में बांट दूँ कि एक हफ्ते में आपको 3 प्रैक्टिकल लिख ले हैं तो आपको क्या होगा, 2 दिन में 1 प्रैक्टिकल लिखना होगा। इस तरह से 2 दिन में 1 प्रैक्टिकल आप आराम से लिख सकते हैं। तो अगर आप काम को, अगर आप किसी भी कंपनी के मालिक हैं और आप अगर अपने एम्प्लॉई को जो भी उसे काम करना है या फिर जो भी टारगेट अचीव करना है उसके लिए छोटे छोटे भागों में बांट देंगे तो वो बिल्कुल से ऐसे हतोत्साहित नहीं हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन फील नहीं करेगा, उसे खुशी खुशी उस काम को वो कर लेगा और इस तरह धीरे 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 करके आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट है, कर्मचारियों से प्रतिपुष्टि लेना, वो उनके साथ जुड़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है कि प्रतिपुष्टि का अर्थ होता है फीडबैक, बहुत ज़्यादा टफ हिंदी है ये, तो मैं आपको जो जनरल आम जो हम भाषा में इस्तेमाल करते हैं वर्ड्स उससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कर्मचारियों से आप फीडबैक ले सकते हैं कि आप जो भी उनके जॉब पे रखे हुए हैं, जो भी उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है उससे उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या और कैसे कंपनी को इम्प्रूव किया जा सके जिससे कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है उसे बढ़ाया जा सके और कंपनी को आगे बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से आप फीडबैक ले सकते हैं और साथ में उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनकी भी जो परेशानियां हैं, जो काम करने में जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है उससे आप डिस्कस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, एम्प्लॉई जो भी होते हैं उनके मन में अपने मालिक के प्रति बहुत अच्छी भावना और बहुत एक वफादार होने का जो एक भावना होता है वो जागता है कि हमारा जो बॉस है हमारा वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है और वो हमारी परेशानियों को सुनता है, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनता है और साथ में हमसे फीडबैक भी लेता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है और हम कैसे अपनी जो प्रोडक्टिविटी है या जो भी हम चीज़ें बना रहे हैं उसको कैसे और अच्छा बना सके। तो इससे कंपनी में आपका जो एम्प्लॉई है वो सोचता है कि मेरा भी इस कंपनी में महत्व है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो ये मेरी कंपनी है, वो आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करेगा क्योंकि आप उसकी जो परेशानियाँ हैं उसको सुन रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर फिफ्थ क्या है, मूल्यांकन एवं अनुसरण करना। मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है, समय समय पे आपको अपने जो कर्मचारी हैं उनके काम का मूल्यांकन करना चाहिए और मूल्यांकन करने के साथ साथ ही जैसे जो आपका एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत एक्सीलेंट वर्क कर रहा है, उसे आपको कुछ इनाम भी देना चाहिए, उसको सम्मानित करना चाहिए जिससे कि और भी एम्प्लॉय प्रेरित हों और आपकी कंपनी इस तरह से आगे बढ़ेगी धीरे धीरे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया कि एक एम्प्लॉयर या एक नियोक्ता है वो क्या क्या एक्सपेक्टेशन रखता है अपने एम्प्लॉय से। तो मुझे आशा करती हूँ कि सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, एग्जांपल के साथ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है और मैं आप सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये जो भी क्लासेस चल रही हैं फ्री हैं, आपको कोई कॉस्ट पे नहीं करना है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस फ्री ऑनलाइन एजुकेशन से लाभ उठा सके। मिलते हैं न्यू क्लास में, क्लास नंबर 3 में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।